नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड एल इज ईगल टू ए बाई टू स्काउट ऑफ आउट एट अ डिस्टेंस डी इज ईगल टू ए बाई टू फ्रॉम सेंटर ओ ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए इफ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोजिशन फ्रॉम ओ इज माइनस ए बाई एक्स सवाल है वैल्यू ऑफ एक्स हमें बताना है नियरेस्ट इंटीजियर में क्या होगी नाउ सेंटर ऑफ मास का अच्छा सवाल है सो so, स्नैरियो कुछ इस प्रकार है कि यह आपकी एक सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस ए और अस से इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं इसका मास एम है उसकी डेंसिटी हम सिग्मा कहते हैं तो हम इसको मास को लिख सकते हैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय आपका पाई आर आ, पाई ए स्क्वायर तो इस टर्म में इसको यहाँ लिख लेते हैं सो so इसका जो मास है डिस्क का उसको हम लिख सकते हैं, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई ए स्क्वायर ये आपके डिस्क का मास हो जाएगा ना अब हमने यहाँ क्या किया कि यहाँ से a बाय टू की दूरी पे यहाँ पे हमने एक स्क्वायर कट किया और इसकी जो साइड है वो भी आपकी यहाँ से यहाँ तक a बाय टू है और ये भी आपका a बाई टू है ये यह हमने यहाँ कट किया उसको ये कट करके उठा के हमने फेंक दिया अब इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मास कम हो गया आपका सेंटर मास यहाँ कहीं पे शिफ्ट होएगा उसकी लोकेशन है ए बाई एक्स और हमें बताना है इस एक्स की वैल्यू क्या होएगी है ना नियरेस्ट इंटीजर में जो आपका नया सेंटर मास यहाँ का शिफ्ट होएगा उसकी हमें लोकेशन बतानी है एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये अपना सवाल है ना इस केस में अगर हम इस डिस्क का मास देखेंगे तो अगेन ये थ्योरी में और अच्छे से कवर्ड होते हैं ये चीज़ कि इस डिस्क पे हम यहाँ पे ये यह अज्यूम करेंगे कि पहले मान लो पूरी डिस्क है यूनिफॉर्म डिस्क है और पूरे में मास है उसके बाद हम यहाँ पे ये यह अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मास रखा हुआ है ना फिजिक्स में नेगेटिव मास डज नॉट मेक एनी सेंस पर अपने सवाल सॉल्व करने के लिए वी यूज दिस एज अ कॉन्सेप्ट बिकॉज रिजल्ट सेम आता है तो यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे एक नेगेटिव मास रखा हुआ है और उसको फिर सेंटर मास के फॉर्मूले में रख के हम वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो इसका डिस्क है इसका जो मास एम टू होएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया यानी कि ए बाई टू ए स्क्वायर बाई ए बाई टू का स्क्वायर सो इसका जो मास एम टू आएगा दैट विल बी माइनस सिग्मा ए स्क्वायर बाय फोर ये आपका इस डिस्क का मास हो जाएगा ना अपना जो सेंटर ऑफ मास है क्योंकि वाई में अपनी सिमेट्री है ऊपर और नीचे तो वाई में चेंज नहीं होगा सिर्फ एक्स में चेंज होएगा सो हम इसको यहाँ लिखेंगे एक्स सी ओ एम विल बी इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ना इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू आपका मास एम वन ये तो ये आ जाएगा सिग्मा पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो बिकॉज एक्स वन की लोकेशन आपकी जीरो है माइनस uh, सिग्मा ये वाली वैल्यू आ वा जाएगी ए स्क्वायर बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय इसकी लोकेशन तो इसकी लोकेशन है ए बाय टू डिवाइडेड बाय ये आपका सिग्मा पाई ए स्क्वायर ये आपका मास एम वन आया माइनस ये आएगा सिगमा ए स्क्वायर बाय फोर हॉलाइट नाउ इसी को अगर हम और फर्दर सॉल्व करें तो सिग्मा एज वी कैन सी विल गेट कैंसल और इनफैक्ट ए स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो रहा है और इनफैक्ट ऊपर हॉलाइट ऊपर और नीचे अगर हम एट से मल्टीप्लाई कर दें सो वी विल गेट ऊपर आएगा आपका ए क्यूब माइनस साइन के साथ डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा आपका एट ए स्क्वायर एट पाई ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर हालांकि और इसमें से अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें सो so ये आ जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर कैंसिल कर दें सो माइनस ए डिवाइडेड बाय एट पाए माइनस टू ये आपकी वैल्यू बचेगी नाउ इसको अगर हम करें ए ए बाय एक्स से कंपेयर सो विच एम्प्लाइज आपका जो एक्स है उसकी वैल्यू हो गई एट पाई माइनस टू नाओ पाई को हम रखेंगे थ्री पॉइंट वन फोर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो so ये uh, 25 के आसपास कुछ वैल्यू बचेगी माइनस टू करेंगे सो so, x की जो नियरेस्ट वैल्यू आएगी इंटीजर में दैट विल बी इक्वल टू 23. सो so, बेस्ड ऑन दिसम कह सकते हैं 23 थ्री वुड बी द राइट आंसर